लोकसभा चुनाव तिथि नजदीक आने के साथ चुनाव प्रचार प्रसार अब जोर पकड़ने लगा है। भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी इन दिनों जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी, कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविन्द्र सिंह भाटी द्वारा गांव और शहर में ताबड़तोड़ जनसभाएं की जा रही हैं। इन प्रत्याशियों के समर्थक भी डोर टू डोर प्रचार करने में लगे हुए हैं। कार्यकर्ता और समर्थक घर घर दस्तक देकर समर्थन की अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव तिथि नजदीक आने के साथ चुनाव प्रचार प्रसार अब जोर पकड़ने लगा है। भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशी इन दिनों जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और बाड़मेर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से विभिन्न ग्रामीण अंचलों के साथ शहर में जनसभाएं की जा रही हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदवाराम व निर्दलीय प्रत्याशी रविन्द्र सिंह भी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पूरा जोर जनसंपर्क में लगा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने सनावड़ा गांव में रोड शो निकाला और जनसभा की। सभा को संबोधित करते हुए कैलाश चौधरी ने क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना के तहत मीठा पानी पहुंचाने का वादा किया। जनसभा में भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के साथ बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल, भाजपा नेता दीपक कड़वासरा, जिला महामंत्री रणवीर सिंह भादू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें, दूसरे नंबर के ऊपर करें, वोट सीधा होगा मेरे किसान भाइयों के लिए, मेरे युवा भाइयों के लिए और बहनों के मान सम्मान के लिए। इसी तरह कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदवाराम बेनीवाल ने भी शनिवार को नागरदा गांव में जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में ग्रामीणों द्वारा बायतो विधायक हरीश चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदवाराम बेनीवाल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए बायतो विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने 10 साल के शासन में देश की हालत बद से बदतर कर दी है। देश में महंगाई और बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदवाराम बेनीवाल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल प्रमुख मुद्दों पर अपनी बात कहते हुए लोगों से समर्थन मांगा। इसी तरह निर्दलीय प्रत्याशी और शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने भी शनिवार को जनसभाओं रोड शो के माध्यम से प्रचार करते हुए जनसमर्थन मांगा।